উকাৰিছে আসাদউদ্দিন ওয়েসে আজমলৰ হৈ আসাদউদ্দিন ওয়েসে ভোট ভিক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ৰাইজক বদৌদ্দিন আজমলক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আসাদউদ্দিন ওয়েসে ধুবুৰী সমষ্টিত যেতিয়া ৰকিবুল হুসেন আৰু বদৌদ্দিন আজমলৰ এবাৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু এবাৰ বদৌদ্দিন আজমল চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো ৰকিবুল হুসেনৰ জনপ্ৰিয়তা বিভিন্ন সমষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে এবাৰ বদৌদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে আসাদউদ্দিন ওয়েসে আমি লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ এবার বদৌদ্দিন আজমলৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে আসাদউদ্দিন ওয়েসে হায়দ্রাবাদৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েসে এবাৰ ভোট ভিক্ষা কৰিছে বদৌদ্দিন আজমলৰ হৈ আজমলক বিজয়ী কৰাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে আসাদউদ্দিন ওয়েসে আৰু অসমৰ ৰাইজক তথা ধুবুৰীবাসীক আসাদউদ্দিন ওয়েসেৰ বিশেষ আহ্বান এআইআইএমৰ অধ্যক্ষ আসাদউদ্দিন ওয়েসে ভোটাৰ ৰাইজক আজমলৰ হৈ জনাইছে আহ্বান খনে খনে সাম্প্ৰদায়িক ভাষণ প্ৰদান কৰি চৰ্চাত থাকে হায়দ্রাবাদৰ সাংসদ তথা এআইআইএমৰ প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েসে আৰু এবাৰ ধুবুৰীত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হবলৈ গৈ আছে ৰকিবুল হুসেন আৰু বদৌদ্দিন আজমলৰ মাজত ৰকিবুল হুসেনৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে বদৌদ্দিন আজমল আৰু দিনে নিশাই এআইডিএফে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগতো এআইডিএফে নিৰ্বাচনী সভা আয়োজন কৰিছে য'ত কাৰেণ্ট নাথাকে সেই অঞ্চলসমূহত মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাই ভাষণ প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বদৌদ্দিন আজমল তথা এআইডিএফ নেতাসকলক আৰু এইবাৰ বদৌদ্দিন আজমলক ভোট দিবলৈ আসাদউদ্দিন ওয়েসে আহ্বান জনাইছে বদৌদ্দিন আজমলৰ হৈ এবাৰ ভোট ভিক্ষা কৰিছে আসাদউদ্দিন ওয়েসে এই মুহূৰ্তত আসাদউদ্দিন ওয়েসেৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্যখনক मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आसाम के डुबरी पार्लिमानी हलके के आवाम से जनता से अपील कर रहा हूं कि आप मेरे भाई बड़े भाई जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना कीमती वोट देकर उनको बहसीयते अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब करके इस इलेक्शन में लोकसभा को भिजाइए और बदरुद्दीन अजमल साहब और उनकी पार्टी और उनकी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस एक अवामी खिदमत का रिकॉर्ड रखती है मुझे बदौद्दीन भाई ने कहा था कि मैं आपके दरमियान में आऊं और आकर एक दो जलसों से आपसे मैं बात कर सकूं पब्लिक मीटिंग में मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मसरूफियत की बिना पर मैं आपके दरमियान नहीं आ सका मैं डुबरी की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना कीमती वोट बदौद्दीन अजमल साहब को देकर उनको इस बार भी आप अपना मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए ताकि आसाम की गरीब आवाम और मजलूम आवाम की आवाज़ और डुबरी की जनता की आवाम की आवाज़ और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर बदौद्दीन अजमल साहब को अपना वोट देकर अपनी एक ताकतवर आवाज़ को आसाम से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लोकसभा में भिजाइए इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के अगर मुझे मौका मिला तो यकीनन मैं आपके दरमियान में आकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैकुम मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आसाम के डुबरी पार्लिमानी हलके के आवाम से जनता से अपील कर रहा हूं कि आप मेरे भाई बड़े भाई जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना कीमती वोट देकर उनको बहसीयते अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब करके इस इलेक्शन में लोकसभा को भिजाइए और बदरुद्दीन अजमल साहब और उनकी पार्टी और उनकी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस एक अवामी खिदमत का रिकॉर्ड रखती है मुझे बदौद्दीन भाई ने कहा था कि मैं आपके दरमियान में आऊं और आकर एक दो जलसों से आपसे मैं बात कर सकूं पब्लिक मीटिंग में मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मसरूफियत की बिना पर मैं आपके दरमियान नहीं आ सका मैं डुबरी की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट बदौद्दीन अजमल साहब को देकर उनको इस बार भी आप अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए ताकि आसाम की गरीब आवाम और मजलूम आवाम की आवाज़ और डुबरी की जनता की आवाम की आवाज़ और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर बदौद्दीन अजमल साहब को अपना वोट देकर अपनी एक ताकतवर आवाज़ को आसाम से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लोकसभा में भिजाइए इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के अगर मुझे मौका मिला तो यकीनन मैं आपके दरमियान में आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू